कलेक्टर साहब, मैं शिकारपुर का चौधरी हूँ। आज आपने हमारे जिले की कलेक्ट्री का चार्ज लिया है, इसलिए मैं आपको बधाई देने आया हूँ। आप बाहर जाइए और फिर हमारी इजाजत लेकर अंदर आइए। आज तक मुझे किसी से इजाजत लेकर मिलने की जरूरत नहीं हुई कलेक्टर साहब। मैं तो चीफ मिनिस्टर के कमरे में भी यूं ही दाखिल हो जाता हूँ। ये चीफ मिनिस्टर का कमरा नहीं है, ये कलेक्टर का ऑफिस है। आप बाहर जाइए और अपने नाम और काम की चिट भेजिए। अंदर भेजो। अब तो बधाई दे सकता हूं ना? मुबारक हो। हम अजनबियों से हाथ नहीं मिलाते, दिल मिलता है तो हाथ मिलाना अच्छा लगता है। और मुझे खड़े रहकर बात करना अच्छा नहीं लगता कलेक्टर साहब। मेहमान को अगर बैठने के लिए नहीं कहा गया तो मैं खुद बैठ जाता हूँ। यहाँ हम उन लोगों को बिठाते हैं जो बुलाए जाते हैं। जो सिर्फ सलाम करने आते हैं उन्हें वहां बिठाया जाता है। मेरा नाम गंगाधर चौधरी है और हमारा नाम राजपाल चौहान है। मैं यहाँ के मशहूर चौधरी खानदान से ताल्लुक रखता हूँ और हमारा खानदानी सिलसिला अजमेर के मशहूर पृथ्वीराज चौहान से मिलता है। मैं शिकारपुर का सबसे बड़ा जमींदार हूँ। राजस्थान में हमारी भी जमीनात हैं और तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते रहते हैं। कलेक्टर साहब, आप जैसे बहुत से कलेक्टर यहाँ आए भी और चले भी गए। मेरा मतलब है कि समझ गए हम तुम्हारा मतलब। हम वो कलेक्टर नहीं जिनका फूंक मारकर तबादला किया जा सकता है। कलेक्ट्री तो हम शौक से करते हैं, रोजी रोटी के लिए नहीं। दिल्ली तक बात मशहूर है कि राजपाल चौहान के हाथ में तंबाकू का पाइप और जेब में इस्तीफा रहता है। जिस रोज हम इस कुर्सी पर बैठकर इंसाफ नहीं कर सकेंगे उस रोज हम इस कुर्सी को छोड़ देंगे। समझ गए चौधरी? अच्छी इज्जत की है तुमने मेरे नौकरों के सामने। नौकर पालना है तो मालिक बनना सीखो। जमींदारी करनी है तो जमींदारों से दिल पैदा करो। गरीब और मजदूर से लड़ने वाला ना मालिक होता है और ना ही जमींदार। इस दफ्तर में हमारा पहला दिन है इसलिए हम तुम्हारे गुनाहों का हिसाब आज नहीं फिर कभी मांगेंगे।